हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बारे में। यह 135 रुपए पर क्लोजिंग दिया है और ये किशोर बियानी जी की कंपनी है और इसके जो रिटेल शॉप हैं बिग बाजार के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, इस स्टॉक पर काफी तगड़ा न्यूज आ चुका है जो कि पिछले काफी दिनों से सुनने में आ रहा था कि रिलायंस रिटेल, जो कि भारत की सबसे बड़ी रिटेल चेन के व्यवसाय करती है, रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, उसने एक मेगा ट्रांजैक्शंस के आधार पर 24,713 करोड़ रुपए में इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है। जी हां दोस्तों, फ्यूचर रिटेल को रिलायंस रिटेल ने एक्वायर कर लिया है। मुकेश अंबानी ने इस कंपनी को खरीद लिया है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग इसके चार्ट में देख रहे हैं कि ये काफी साइडवेज मूवमेंट में चल रहा था और लगभग अभी 135 रुपए पर चल रहा है। हालांकि दोस्तों, हमने अपने पूरे जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हुए किसी शेयर का प्राइस टारगेट जानने की कोशिश की थी, लेकिन इस कंपनी के बारे में हम लोग किसी तरह का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कंपनी कर्ज में डूबी हुई थी और काफी दिनों से चर्चा चल रही थी मार्केट में कि रिलायंस रिटेल फ्यूचर रिटेल को एक्वायर कर सकता है और आज ये न्यूज डिस्क्लोज हो गई है। तो दोस्तों, अब आने वाले दिनों में यानी कि मंडे से जब मार्केट खुलेगा तो इस शेयर में हम लोगों को काफी भूचाल देखने को मिल सकता है और ये शेयर लगातार सर्किट में चल सकता है, ऐसा हम लोग संभावना व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि रिलायंस रिटेल अपने आप में एक काफी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और रिटेल सेक्टर की इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है और इस इक्वेशन को हम लोग एक नॉर्मल इक्वेशन नहीं मान करके हम लोग मार्केट कंसोलिडेशन की तरह इसको देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि रिलायंस रिटेल अपने आप में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों इस प्रकार के इक्वेशन के बाद रिलायंस रिटेल अमेजन इंडिया के साथ इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में वर्चस्व स्थापित करने जा रही है। ये बहुत बड़ी डील है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए मैं छोटी छोटी जानकारियां लेकर के आता रहता हूँ और उम्मीद है कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। Thank you.